दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक कई सुपरहिट फिल्मों को रिलीज किया जाता है और उन सभी फिल्मों को लाखों करोड़ों दर्शक खूब पसंद भी करते हैं, जिसकी बदौलत आज बॉलीवुड इंडस्ट्री एक सफल मुकाम पर पहुंच चुकी है। पर इतनी बड़ी सफलता के शिखर पर पहुंचाने के पीछे बॉलीवुड इंडस्ट्री में नजर आए सभी कलाकारों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, जो अपने शानदार अभिनय प्रदर्शन से बॉलीवुड इंडस्ट्री को ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचा पाए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक टाइम ऐसा भी था जब बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ ही अभिनेता बॉलीवुड इंडस्ट्री को अपने दम पर चलाते थे। जी हाँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री के वो ऐसे अभिनेता रह चुके हैं जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री की नींव को मजबूत करने में कड़ी मेहनत की, पर आज वो बूढ़े हो चुके हैं। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्हीं अभिनेताओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री को संभाले रखा था। तो देर किस बात की, चलिए मिलते हैं उन सुपरस्टार से जिन्होंने एक टाइम पर अपने दम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री को चलाया था। नंबर वन, धर्मेंद्र। इस लिस्ट की पहली कड़ी में अभिनेता धर्मेंद्र का नाम शुमार है, जो पिछले 60 सालों से अपने दम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री को चला रहे हैं और आज बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन आपको बता दे कि 60 से लेकर 90 के दशक के बीच में इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को अपने दम पर चलाया था और इसकी नींव को मजबूत भी किया था। क्या अब कोई अभिनेता अपने दम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री को चला सकता है, ये तो पता नहीं, क्योंकि ये भी अभिनेता किसी महान व्यक्ति से कम नहीं है जिन्होंने अपने एक्टिंग और दरिया दिली से लाखों लोगों का खूब दिल जीत लिया। नंबर टू, दिलीप कुमार। मुगले आजम, गंगा जमुना और नया दौर जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले अभिनेता दिलीप कुमार को तो आप सभी जानते होंगे, जो आज भले ही बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन जब जब इनकी फिल्मों को देखा जाता है तब तक लाखों करोड़ों दर्शक इनके जोश और अदायगी को बखूबी याद करने लगते हैं। पर आपको बता दे कि ये भी उन्हीं अभिनेताओं में से एक है जिनके दम पर चलता था बॉलीवुड। जी हाँ, 50 के दशक से लेकर 90 के दशक तक इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को अपने दम पर चलाया था, पर आज ये बहुत बूढ़े हो चुके हैं। तो क्या इनके जैसा कोई और अभिनेता भविष्य में इस बॉलीवुड इंडस्ट्री को संभाल पाएगा? नंबर थ्री, नाना पाटेकर। अब बात करें अपनी फिल्मों में सकारात्मक और नकारात्मक किरदार निभाने वाले अभिनेता नाना पाटेकर के बारे में, तो आपको बता दे इन्होंने अपनी फिल्मों में अपने अलग अलग अंदाज से लाखों करोड़ों दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया था। लेकिन आपको बता दे इन्होंने एक टाइम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक कई सुपरहिट फिल्में दी थी, जिसके चलते उस टाइम बॉलीवुड इंडस्ट्री में इनका ही नाम चलता था। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री इनके दम पर चला करती थी, मगर अफसोस ये बूढ़े हो चुके हैं, तो इसलिए आज ना तो इनमें वो अदायगी नजर आती है और ना ही वो अंदाज। पर क्या भविष्य में बॉलीवुड इंडस्ट्री को भविष्य में इनके जैसा कोई अभिनेता मिलेगा या नहीं, ये तो बस वक्त ही जाने। नंबर फोर, जितेंद्र। बॉलीवुड इंडस्ट्री के मोस्ट हैंडसम अभिनेता जितेंद्र को तो आप सभी लोग अच्छे से जानते ही होंगे, जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक कई धाकड़ फिल्में दी है, जिससे आज ये बॉलीवुड इंडस्ट्री काफी ज्यादा सफल मुकाम पर पहुंच पाए। लेकिन अफसोस, आज ये अभिनेता बुजुर्ग हो चुके हैं, तो क्या भविष्य में कोई ऐसा शख्स आएगा जो इन्हीं की तरह धाकड़ अभिनय प्रदर्शन कर सकता हो और अपने दम पर इन्हीं की तरह बॉलीवुड इंडस्ट्री को चला सकता हो? इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ये तो ऊपर वाला ही जाने। नंबर फाइव, अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड इंडस्ट्री के किंग कहे जाने वाले अभिनेता अमिताभ बच्चन का नाम भी इस लिस्ट की कड़ी में शुमार होता है। आपको बता दे ये अभिनेता भी उन्हीं अभिनेताओं में से एक है जिनके दम पर चलता था बॉलीवुड। जी हाँ, क्योंकि इन्होंने अपने हार्ड मेहनत और दमदार अभिनय प्रदर्शन से बॉलीवुड इंडस्ट्री को शोले, सूर्यवंशम और डॉन जैसी कई सुपरहिट फिल्में देकर बॉलीवुड इंडस्ट्री की नींव को मजबूत किया। लेकिन अफसोस, आज ये अभिनेता बूढ़े हो चुके हैं, जिसके चलते आज ये पहले की तरह धाकड़ अभिनय प्रदर्शन नहीं कर पाते। नंबर सिक्स, मिथुन चक्रवर्ती। अब इस लिस्ट में जिस अभिनेता का नाम शुमार है वो अभिनेता कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में डिस्को डांसर के नाम से मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती हैं। जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती ने 60 से लेकर 90 तक अपने डांस परफॉर्मेंस और अपने दमदार अभिनय प्रदर्शन से बॉलीवुड इंडस्ट्री को अपने दम पर चलाया था। लेकिन अफसोस, आज ये अभिनेता भी बूढ़े हो चुके हैं। नंबर सेवन, डैनी डेंजोंगपा।
इसकी आखिरी कड़ी में अभिनेता डैनी डेंजोंगपा का नाम भी शुमार है, जो अपनी फिल्मों में एक हीरो का नहीं बल्कि विलन का किरदार निभाया करते थे। आपको बता दे, इन्होंने अपने विलन वाले अंदाज को इतनी खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया कि जो भी दर्शक इनके इस किरदार को देख लेता था वो तो इनका दीवाना ही हो जाता। जी हाँ, तो कुछ इस तरह का जादू था इनकी एक्टिंग में। तभी तो 60 से लेकर 90 के दशक तक बॉलीवुड इंडस्ट्री को इन्होंने अपने दम पर चलाया था। लेकिन अफसोस, आज ये बूढ़े हो चुके हैं, तो इस नाते आज इनका विलन वाला अंदाज पहले की तरह जानदार शानदार नजर नहीं आता है। तो दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि इन अभिनेताओं के दम पर चलता था बॉलीवुड? अगर हाँ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।